ठीक है भाई, आजकल इसका नाम IIT JEE है, JEE मेंस ही कहते हैं ना सब, ठीक है। पहले इससे पहले MNR कहते थे पुराने टाइम में, MNR UP की होती थी, IIT के अलग इंट्रेंस होते थे, अब तो लगभग कंबाइंड सभी का एक ही इंट्रेंस कर दिया, अलग अलग जगह फॉर्म नहीं भरने पड़ते, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ वर्जन की, वर्जन का मतलब कि हिंदी में पढ़ाऊँ या इंग्लिश में, कुछ टीचर आपको यहाँ से मिलेंगे पढ़ाने वाले जो आपको टोटल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हैं केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं सर इंग्लिश में ही, मैं बता रहा हूँ बीच में हिंदी बताते हैं, हिंदी बता देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मैथ भी आपको ऐसे होंगे जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाऊंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने वाला टीचर कोई भी हो बहुत कम है, सिर्फ वही टीचर पढ़ा सकता है जो हिंदी मीडियम में खुद पढ़ा हुआ हो और आगे उसकी एजुकेशन फिर कंटिन्यू रही हो। अगर कोई CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है वो हिंदी में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक तो वर्जन का मैं अपने आप देख लूँगा, मेन चीज़ है जब भी कोई कीवर्ड आए, कीवर्ड का मतलब चाहे किसी चीज़ की हेडिंग है या कोई कंसेप्ट में कहीं भी आए, उसको हमारा जो टारगेट रहेगा उसको अंडरस्टैंड करना, यानी उसको हमें समझना है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट पर, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो चाहे हिंदी में हो जाए चाहे इंग्लिश में, ठीक है। आज भी इंडिया का कोई बच्चा हो वो हिंदी में ही कम पढ़ रहा है, ठीक है। और ज़रा मुझे एक मिनट, टेंथ के मार्क्स बताना अपने कितने थे आपके, 12th में मैथ के कितने मार्क्स थे, 96। आपके टेंथ में कितने थे, आपके कितने थे सर, मैथ्स के बताने हैं, मैथ्स के 87। आपके 97। मैथ में ना आपका अच्छा स्कोर है, परसेंटेज नियर अबाउट आपकी 90 आसपास होगी, फिर ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी जो परसेंटेज मिली इसको कैरी करना आगे तक, यहाँ पसीने छूटने वाले, इतनी परसेंटेज आपकी 12th में आई और फिर यही परफॉर्मेंस हमारी जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं वहाँ पे आए, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो मेरिट बनती है परसेंटाइल का, इसमें बनती है बताएगा कोई परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल किसे कहते हैं, बैठ जाओ। देखो परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल तो हमारा चलता है 100, क्योंकि 100 में से आपके कितने मार्क्स आए, जैसे मान लिया आपके 96 आए तो आपके 96% मार्क्स। परसेंटाइल क्या होती है, मान लिया कोई एग्ज़ाम है और वो 50 बच्चों ने दिया है, कितने बच्चों ने दिया, 50 स्टूडेंट्स ने दिया है, और उसमें ग्रांड जो टोटल मतलब वो मैक्सिमम 80 मार्क्स का था, कितने का था 80 मार्क्स, ठीक। आपके कितने आए, 70। एक बच्चा था ऐसा था कि उसके 80 में से 80 मार्क्स आए, या मान के चले उसके 75 मार्क्स आए किसी अदर बच्चे के, तो इस 75 को 100 मान लिया जाएगा, 75 को क्या माना गया 100%, एक को क्या माना 100/75 और 70 क्या मानेंगे इसे डिवाइड करो, ठीक है। पंद्रह नंबर 135, 5 और 15 3 45, लगभग 93% बनता है, यानी कि जो उस पेपर में टॉप पर मार्क्स अचीवर स्टूडेंट था उसके कंपेयर कितने परसेंट आ, समझे। 80 नंबर का पेपर था, एक बच्चे के 75 नंबर आए जो हाईएस्ट मार्क्स जो अचीवर था, आपका है 70, तो परसेंटाइल क्या हुई, परसेंटाइल ये है कि उसके 75 के सापेक्ष जो आपके 70 मार्क्स आए हैं वो कितने परसेंट, ये होता है परसेंटाइल, या कहते हैं ना कि उसके 99.8% आ गए, यानी कि वो टॉपर के सापेक्ष चलता है डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से। मान लिया कोई पेपर सपोज करो ऐसा या 100 मार्क्स का पेपर था आपका कोई, और जो हाईएस्ट स्कोरर वो कितना है 50 मार्क्स ही सिर्फ, और अगर आपके फिर क्वालिटी आते हैं कितने बन जाएंगे 80% बन जाएंगे, तो परसेंटाइल चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी अब एक चीज़ और सुन लो, अब यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की आप
यहाँ हर एक टॉपिक के अपने लिमिटेड लेक्चर हैं, समझ रहे हैं आप। यहाँ लेक्चर इतने नहीं है कि एक ही टॉपिक है कि दो महीने चल रहा है या पंद्रह दिन चल रहा है, सबके अपने टॉपिक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पे आज सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो मुझे बताइए सेट किसको कहते हैं। सेट, हाँ वो तो हिंदी में होगी, परिभाषा क्या होगी सेट कैसे किसको कहेंगे। एलेवेंथ का ही है, क्योंकि देखिए एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी आपको, एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का जो फोर सेट टोटल वो आपके टीच का होना चाहिए, मूल्य का होना चाहिए। ये इसमें नहीं कहीं पर आप अटक सकते, एक भी माइनर कंसेप्ट भी आप मिस नहीं कर सकते एलेवेंथ ट्वेल्थ का। हर चीज़ को आपको डीपली सीखना पड़ेगा, आईआईटी जेई की तो बात बाद में होगी, समझ रहे हैं आप। आईआईटी जेई में कंसेप्ट सारे यही हैं, बस घुमाएगा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, कोई रेयर केस में कि कोई नया फार्मूला आए, लेकिन हमें ये चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समझे इसको, और इसको अब बता दो हिंदी में तो पता ही लग गया, संबंध किसे कहते हैं या फलन क्या होता है। इसी बहुत सारी चीज़ों का ऐसा संग्रह जो कि क्रमबद्ध होता है, उसे समुच्चय। यानी कि समुच्चय बहुत सी वस्तुओं का क्रमबद्ध संग्रह, और कुछ और संबंध पढ़ा नहीं। देखो मैं बताता हूँ, मैं कहना तो चाहिए नहीं, मुझे ऑनलाइन है, लेकिन यूपी बोर्ड में हमेशा उन टॉपिक की रीढ़ तोड़ दी जाए जो आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग में आते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन कुछ स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता, छुड़वा दें टीचर, सीधे कहाँ आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग एपी जीपी एचपी ट्रिग्नोमेट्री वो चीज़ें शुरू कर देते हैं। अब तो आप पढ़ रहे हैं, हम तो उस टाइम पढ़े जिस समय मैथ्स के हमारे पास इलेवन ट्वेल्थ में सिक्स बुक होती थी, और जब ट्वेल्थ का पेपर होता था वो सिक्स की सिक्स बुक्स में जाता है। अलेवेंथ में तीन पढ़नी थी, अलेवेंथ में चार पढ़ते थे, ट्वेल्थ में दो, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होता था वो छः की छः बुक से होता था, समझ रहे। अकेला एलजेब्रा एलजेब्रा ऐसी मोटी बुक थी, तो उसमें भी हमें छुड़वा देते थे, बेकार ऐसा कोई नहीं आता, और बोर्ड में भी कोई खास नहीं आता था इसमें। लेकिन समस्या यह है कि आईआईटी जेईई में तो सबसे ज़्यादा ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इतना है, ये कंसेप्ट इसके तरह ज़बरदस्त है, इसलिए वीक रह जाता है, पता नहीं लगता बच्चों क्या है। अब जैसे हमारा कोई सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, रिप्रेजेंट ठीक है, यानी कि निरूपण, हिंदी में क्या बोलते हैं निरूपण, किसी भी समुच्चय का निरूपण करने के कितने प्रकार हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। समुच्चय जो है कई प्रकार के समुच्चय, यहाँ मैं उस समुच्चय की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा अगर हमने कोई सेट लिखा है, सेट को लिखने के तरीके ही कितने हैं, क्या तरीका सेट को लिखते हैं। भाई एक तो मैंने ये लिख दिया, बैठ जाओ, ये भी सेट है मान लिया ये, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस है
लेकिन तरीका अलग अलग हो गया ना ये, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा तरीका है? चलो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं रोस्टर या टैबलेट, ठीक है, रोस्टर या सारणीय विधि इसकी, ठीक है। ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर, दो तरह से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस रखना है, इसी को हमें समझना है, क्योंकि अधिकतर जो हमें सेट लिखे मिलेंगे वो इस रूप में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलने के सीधे सीधे कि 1 2 3 4 5 आप सीधा सीधा रीड कर लें, आपको इस फॉर्म में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सेट रिलेशन और फंक्शन टॉपिक किंग इसके लेक्चर हैं 10, ठीक है, 10 लेक्चर इसके होने हैं। अब इसका मुझे बताइए, यहाँ दो तरीके कराने गए हैं, या तो स्टार्ट इसका डायरेक्ट में IIT JEE लेवल से स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं ये मान के चलूँगा 11th 12th में जो सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं वो सारी आपकी क्लियर, या फिर दूसरा तरीका यह है कि 11th या 12th में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है वो पहले से, उसके बाद इसे करें, और एक ज़िंदगी में मैं आज आपको और बात बता रहा हूँ ज़िंदगी भर के लिए ध्यान रखना, अगर आपने 11th और 12th का मैथ सीख लिया ना अच्छी तरह से, सीखने का मतलब कि आप इस कैपेबल हो किसी को अच्छी तरह से पढ़ा सको, आप सीना तान के ये कह सको कि 11th 12th के मैथ से जो तेरा मन आए जहाँ से आए कुछ ही पूछ ले, अगर तुमने इतना महारत हासिल इस एक साल में भी कर लिया ना, मैं बता रहा IIT JEE छोटे से बहुत अलग बात, मैं सिर्फ 11th 12th की मैथ की बात कर रहा, ज़िंदगी में कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे सक्सेस होने से, वो अलग बात है कि सक्सेस आप किस फील्ड में हो, रीज़न ये है आपका जो IQ लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना सबको पढ़ ले जाओ, और जब आप इस लेवल हो जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री घर बैठ कर पढ़ोगे, फिजिक्स में कोई लगती है ऐसी चीज़ जिसमें कुछ ट्यूशन की ज़रूरत तो मुझे मुझे तो आज तक महसूस नहीं थी, मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अब तो BSc तक भी, यहाँ तक कि MSc मैंने एक साल की थी केमिस्ट्री से, मैंने फिर बल्कि ड्रॉप कर दी थी, बल्कि बच्चों को पढ़ाता था अपने साथ ही, जब एक टॉपिक की वुड यूनिवर्सिटी से आता हमारा, लिटरेचर ही तो है, कंसेप्ट बुक में लिखा हुआ वो समझा रहा कि ऐसे ऐसे होता है, ये डायग्राम उसका बना हुआ है, तो क्या है कोई इसमें समझने की कोई बात है, इसमें है दिमाग खराब होने वाली चीज़, ये समझो पहले तो नेचुरल नंबर समझो, फिर लेस देन समझो, फिर 6 कह रहा, फिर देखेगा कि यहाँ तो 5 लिखा है, वहाँ 6 क्यों लिख दिया, जिस दिन 11th 12th की मैथ पर कमांड हो गए ना अपने आप में देखना कि कितना परिवर्तन आप में होगा, पहले ये टारगेट बनाओ कि हम इसके मास्टर बन जाओ, बाकी चीज़ें सेकेंडरी, फिर सारी चीज़ें हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा मैथ पढ़ना मैं अपनी लाइफ में थ्रू आउट सेल्फ स्टडी से पढ़ाऊँ, चाहे वो 10th की 12th की चाहे BSc की, यहाँ तक कि मैंने MA मैथ से किया वो भी प्राइवेट किया वो भी सेल्फ स्टडी से किया, मैथ भी फिर आपके ऐसे समझ में आता है कि मैथ्स की अगर बुक ले ली ना आपने तो खुद पढ़ सकते खुद पढ़ लोगे, लेकिन बात वही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर आपको सेट्स का ही नहीं पता तो रिलेशन की बात नहीं कर सकते आप, और जब रिलेशन का नहीं पता तो फंक्शन कैसे पढ़ोगे आप, मैथ जो होता है सिस्टमेटिक चलता है, एक कड़ी भी अगर आपकी छूट गई तो फिर आप पीछे निकलते चले जाओगे, समझ रहे आप, तो मेरा जो सुझाव है आपका जितना जिस टॉपिक का आपके 11th 12th में दिया हुआ है पहले तो उसे रगड़ दो, रगड़ने के तरीके क्या है, कुछ तो मैं मेहनत करूँगा यहाँ से, कुछ तुम घर से पढ़ो, क्लियर है, कोई डाउट आता है उसे बिल्कुल क्लियर करते चलो, ठीक। अगर हमें इस टॉपिक के 10 लेक्चर मिल रहे तो एटलीस्ट कम से कम हम 5 में तो ख़त्म कर लें, 5 लेक्चर में तो ख़त्म किया जा सके बेसिक, हालांकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं सेट रिलेशन फंक्शन कोई भी, ये सारे लेंथी हैं, थोड़ा 11th 12th में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी बचा IIT JEE के लिए, वहाँ कोई खास नया फार्मूला तो मिलने से रहा, वहाँ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप समझते चले जाओगे, तो पहले बेसिक पे है, कल के लिए तो टमोरो आपको काम करना है,
बुक चाहे हिंदी के रख लो इंग्लिश के रख लो उसका कोई इशू नहीं है। आपको जो सेट वाला चैप्टर है सेट रिलेशन और फंक्शन ये पूरा का पूरा पढ़ लें, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लें। एक दिन लगे, दो दिन लगे, तीन दिन लगे, मैं सेट से स्टार्ट करूँगा, फिर रिलेशन पढ़ाऊँगा, फिर फंक्शन पढ़ाऊँगा, ताकि मेरे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको पता हो कि हम पढ़ कर आए थे, कोई एक ऐसी चीज़ है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि हमें स्पेशली ये पूछनी है तो वह चीज़ आप पूछिए, ठीक है। बुक्स जो भी आप पढ़ोगे मुझे बता देना कौन से राइटर की है हिंदी की आपको। अच्छा एनसीईआरटी चल रही है। अच्छा अच्छा देखो हाँ, तो बस तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें एक काम कर लो, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने का ज़्यादा आनंद है या हिंदी जिसमें जो ज़्यादा कम्फर्ट है फिलहाल, एक ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारी मिल जाती है एनसीईआरटी पोर्टल, हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। अब जैसे इसमें जो टॉपिक का नाम ही दिया हुआ है संबंध और फलन, इसमें सेट दिया ही नहीं, इसमें सेट दिया नहीं भाई, इसमें संबंध और फलन दे रखा, रिलेशन एंड फंक्शन ही है। मैं बता रहा क्या होगा, नहीं 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 मैं बता रहा हूँ उसमें भी एक कारण हो रहा है। पेशेंस रखो, ये कौन सी है, ये 12th की है, वो 11th वाली में होगा। हाँ, और फिर वैसे भी हर साल जो है ना कम सिलेबस को काटते जा रहे हैं, कभी आगे से काटते कभी पीछे से, कभी जो एक्सरसाइज हटा दी है चल रहा काम। हाँ, इसमें रिलेशन फंक्शन है तो सेट्स आप 11th वाली से पढ़ोगे, ठीक है। 11th वाली यहाँ नहीं है कोई, चलो कोई नहीं, बुक्स डेली लेके आनी है जो भी पढ़ाई जा रही है। देखो दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, मेरा मानना है उनमें सबसे आसान मैथमेटिक्स ही है। पूछो क्यों, हालांकि लोग सबसे मुश्किल कहें ऐसे, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है सर रटना नहीं पड़ता, इसे याद नहीं रखना पड़ता। मान लिया अगर मैं आपको कहूँ कि इसको भाई बताओ क्या है, इसका आंसर क्या है, आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो याद नहीं करना पड़ रहा कि भाई या किसी ने कह दिया था हमें भाई इसका आंसर 74, हमें याद रखना नहीं, याद नहीं रखना, सिर्फ कंसेप्ट याद रखने, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो सर, रेगुलर पढ़ते रहोगे याद करते रहोगे तो याद रहेगा, जहाँ 4-5 महीने का ब्रेक लगा वो एंड हो जाता है। तो मैथ को जो है आनंद के साथ अपना पढ़ो, बिल्कुल ट्यूशन पढ़ते हो नहीं ये बताओ सर, नहीं अभी तक कोई 11th में फिलहाल वैसे तो जब से इंटरनल एग्जाम होने लगे तो पढ़ाई वगैरह करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले सेट्स या समझ, आपने बताया था कि वस्तुओं का एक क्रमबद्ध संग्रह, ठीक है, समुच्चय एक्चुअल में क्रमबद्ध तो हम कह नहीं सकते, सिर्फ एक यही कहता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, इसका समूह वस्तुओं का समूह, ठीक, या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called समझ रहे आप, एक
परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि उस उन चीज़ों के अंदर कोई ना कोई एक रूल, कोई एक ऐसा नियम या कोई एक सिमिलरिटी या किसी एक फैमिली से किसी एक चीज़ से वे बिलोंग करेंगे, ताकि हम ये कह सकें हाँ भाई इनमें एक चीज़ ये सारों में समान है। अगर ऐसी वस्तुओं का एक समूह है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो सेट नहीं। अब चलन में हम बात करते हैं, डिनर सेट का नाम सुना, क्या डिनर सेट में बाल्टी आ जाएगी? आ जाएगी डिनर सेट में बाल्टी। तो जो डिनर है, जो डिनर करने का जो सेट है, उसको डिनर सेट बोल दिया। वेल डिफाइन है वो वेल डिफाइन किस लिए है? उसमें फिक्स होगी इतनी प्लेट में, उसमें क्या क्या आएंगी, बाउल आएगी, प्लेट आएगी, चम्मच आ जाएंगी, कटोरी आ जाएंगी, इसके अलावा और तो कुछ नहीं रखने को, गैस का चूल्हा भी रख देंगे नहीं, वो डी उसका सेट का पार्ट नहीं है। अब तो हर चीज़ों के सेट चलते हैं, बनियान लेने जाओगे उसके सेट्स हैं, सोर्स लोगे उनके सेट्स हैं, हर चीज़ का अलग अलग अपने सेट। ये कुर्सी मेज का सेट है जी, समझे? अब क्या कुर्सी मेज में हम पंखा एडजस्ट कर देंगे, वो अलग हो जाएगा। या मान लिया मैं ये बनाऊँ ए बी सी डी, क्या ये सेट है? अगर वस्तु के हिसाब से देखो तो चुप ले एक बार कह दो, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एक अलग चीज़ है, ये इसमें नहीं आने का, समझे? अब मैं कुछ लिखता हूँ, मान लिया ब्लू रेड ग्रीन येलो पीस, ठीक है, हमारे पास ये कलर है, एक टी शर्ट है, और मैं कहूँ ये सेट है, क्या ये एक सेट है? क्यों नहीं है? ये बोर्ड बनाओ हो गया, अलग हो गया ये, ना ना इतना सेट है, इसको सेट कह सकते हैं लेकिन इसको सेट नहीं कह सकते। 1, 2, 3, 4 - 1/2 जनरल नॉलेज के हिसाब से क्या सेट लग रहा है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, अगर मैं से ये लगा दूँ जितने भी इसके अव्यय हैं वो बिलोंग टू एन कर दूँ, क्या ये सेट है? है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको आर कर दूँ तो सेट है। आर जानते क्या होता है? क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये होता है, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉट ए रेशनल नंबर। टू नोटेशन इज रिलेटेड टू द रेशनल नंबर। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, और आपका इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू, एंड व्हाट इज ए रेशनल नंबर? ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो होती है हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रियल नंबर हमारा एक अलग चीज होता है, रियल नंबर वो होता है जिसके अंदर बस एक आयोटा ना हो, कोई भी नंबर ले लो सब रियल। आयोटा 12th में है, 11th में तो नहीं ना? 11th में है ना? नहीं, मैं 10th में। तो आयोटा जिसमें नहीं है वो सब रियल नंबर है, अगर आयोटा आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेट की परिभाषा समझ में आ गई, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट की बात करें, ये है, मैं इसको कह रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं बताइए? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है?
वन टू थ्री फोर अप टू इन फाइव, ठीक है। और नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? इसके बाद इंटीजर, समझे क्यों रेशनल नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम आगे रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ सेट मिलेंगे आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये तो आएगा नहीं, लेकिन ये मिलेंगे नोटेशन बार बार ताकि हमें इनको पता हो, ठीक है। आर एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इमेजिनरी नंबर, बस ये लिखा या कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें आई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, यानी कि वन बाई टू है ये भी रियल है, रूट टू है ये भी रियल है, समझ रहे आप, लेकिन माइनस रूट टू रियल नहीं है, ये कोई रखा क्या था हमारा, इसमें आयोटा जाता है माइनस वाले, ये सेट हमें पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नोट करें ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है ज़रूरत तो कोई नहीं, वो आपको देखना, क्योंकि मेरा तो यहाँ लिखने का काम साफ करने का काम चलता रहे, वो आपको देखना है, कोई चीज़ ऐसी है कि कोई नोट करनी है। दे सकते हैं कुछ क्या है सेट ऑफ होल, अगर इसमें टी और जोड़ दूं और कुछ नाम दे सकें सर, समझ रहे हैं, वो एक वेल डिफाइन हो जाता है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है। इसका एक एग्जांपल और ले लो आप, मान लिया 11th क्लास है और मैं कहूँ कि 11th क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं उनका सेट, उनका समूह क्या एक सेट होगा? गुड स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो अच्छे बच्चे हैं पूरी क्लास में उनका क्या समूह सेट है? अगर हम कह रहे हैं 11th क्लास, तो 11th क्लास के जो सारे स्टूडेंट हैं वो तो एक सेट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं उनका समूह क्या एक सेट है? ये जो गुड है ना, ये अपने आप में ये अनडिफाइंड है, जब इसी की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं, कौन सी परिभाषा लगाओगे गुड के लिए, जो पढ़ने में उसे यार और पढ़ने में बड़ा बदतमीजी तो क्या उसे अच्छा कहेंगे, समझ रहे आप, यानी कि ये वर्ड ही अनडिफाइंड है अपने आप में, जो अच्छे वाली बात की गई है क्या वो परिभाषित है इस सब्जेक्ट में, क्या कोई पैमाना है, ये तो वो ये कह दे कि वो सभी बच्चे जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हैं उनका समूह वेल डिफाइन हो जाएगा, जिसका एक एग्जैक्ट हमें पता है, और इसका क्या हमें एग्जैक्ट पता है अगर अच्छा अच्छे की क्या परिभाषा, वो कहेगा नहीं जी मैं अच्छा हूँ, हो सकता है कि एक टीचर की नज़र में तुम अच्छे हो दूसरे की नज़र में नहीं हो, समझ रहे होता है ना सर, तो ये ही ये वर्ड ही अपने आप में डिफाइन नहीं है, तो फिर सेट कहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी जब आप बुक से पढ़ोगे और कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो क्लियर हो जाएगा।
देखो सेट का जो नोटेशन होता है, नोटेशन हम करते हैं कैपिटल लेटर, यानी कि अगर किसी भी सेट का अगर हम नाम रख रहे हैं वो कैपिटल लेटर होंगे, ए बी सी डी कुछ भी दे, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे अंदर वो हमारे स्मॉल, ठीक। और इन एलिमेंट्स के बिटवीन में, इनके बीच में सेपरेट करने के लिए एलिमेंट्स को क्या लगाएंगे, कोमा। ये वाला है कोमा, जो समझ में आ गया। जब भी कोई सेट लिखेंगे सेट का नाम कैपिटल लेटर में, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल्स में होंगे, और जो लेटर्स होंगे वो सेपरेटेड बाई कोमा। अच्छा कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प वाचक है, अल्प विराम। एक नोटेशन ये आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको? ये रिलेशन बताता है, रिलेशन क्या कह रहे हैं? रिलेशन बताता है, इस साइन जो है रिलेशन का नाम क्या है, इस रिलेशन का, इस साइन का देखिए, इसको बोलते हैं हम एप्साइलन, इसका नाम है एप्साइलन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये लिखूं इसको हम लिखते हैं कि ए बी का सदस्य है, ठीक है। ए is a member of, ठीक, या और क्या बोलते हैं, a b में है, a is belong to, ए बी का सदस्य है, ए बी में है, ये लिखा मैं, ए बी का सदस्य, ए इज ए मेंबर ऑफ ए, या ए इज ए एलिमेंट ऑफ, ये जरूर लिख लो।
जा रहे हैं किसी स्कूल में? बिल्कुल एडमिशन लिया आगे आप लोग जा रहे हैं स्कूल में? छुट्टी किस टाइम होती है? ट्वेल्थ में हो ना, और आप अलेवेंथ में हो। मैं आपको बताऊँ कोचिंग लगभग पूरे साल ही चलेगी। पूरे साल क्या, 6 महीने तो होगी, 8-8 महीने की है ये लेक्चर इतने दिए। अगर आपने यहाँ के लेक्चर अटेंड कर लिए ना, बस मैथ का तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है, क्योंकि आज की तारीख में यूपी बोर्ड में मार्क्स की वैल्यू नहीं रही ना, नामांकन हो मतलब इवेल्युएशन नहीं कर पाते बच्चे का कि यार इसका 100 भी मार्क्स है तब भी बैन ही रहा, इसका आता है या नहीं आता है। दूसरा, कोर्स बहुत छोटा है आप लोगों का, जो पुराना टाइम का सिलेबस था ना अगर उसमें को निकले, उसमें अगर बच्चा निकल जाता ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। एक तो एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन होते, अब तो यहाँ टॉपिक के उसको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज खत्म। तो एक तो रेगुलर आना, अगर छुट्टी मारोगे खासकर मेरे लेक्चर में तो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा भाई। सिलेक्टेड चीज़ें हैं, सिलेक्टेड बतानी है, रिपीट होने के फिर चांसेस नहीं बनते। और यहाँ का रूल क्या है, 4 आ रहे जब भी पढ़ाओगे और 1 आया तब भी क्लास चलेगी। ये नहीं है कि भाई बच्चे नहीं आए क्लास मिस होगी, नहीं, 1 भी आएगा तो क्लास यहाँ कंटिन्यू चलेगी। तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखें, रेगुलरिटी बनाए रखें, थोड़ा पेशेंस, और जज करने के लिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा है बुरा पढ़ा रहा, एटलीस्ट कम से कम ये 10 लेक्चर तो मुझे दें। इलेवेंथ ट्वेल्थ का कहें मैं देखो, मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, जो मेरा आज तक का तजर्बा है लगभग ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि 25 साल मुझे पढ़ाते हुए और अच्छी तरह पढ़ा मैं, कोई वैसा नहीं पढ़ा मैं खुद, मैं भी MNR का एग्ज़ाम भी दिया है, UP2 क्वालिफाई 2007 में भी मेरा जो UP के अंदर होता था, BSC के जो BSC फर्स्ट क्लास बच्चे होते थे उनका एंट्रेंस हुआ था BTech में एडमिशन सेकेंड ईयर के लिए, उसमें मेरी जनरल में 18 रैंक थी, 18 रैंक समझे, और मैथ का ही पेपर था, थोड़ा बहुत रीजनिंग टाइप था। मैथ अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, जो टॉपिक मैं पढ़ा दूँ, 10 लेक्चर की बात है, कोई लंबी चीज़ नहीं, 14 तारीख में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा मेरा, 10 लेक्चर हैं, क्या हम 12 दिन नहीं दे सकते फिलहाल? 12 दिन आप पढ़ लो, उसके बाद आप ये देखना कि कितना सीखा, पहले क्या थे हम और आज हमारे दिमाग में इसके प्रति क्या क्या सोच है, कितना हमारे अंदर डेवलप है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा बाजार के बीच में खड़े होकर ना कहो कि जो भी क्वेश्चन हल करना है जहाँ से भी, सर वहाँ से सॉर्ट आउट कर दोगे आप। लेकिन देखो, यहाँ थोड़ा समय दो, यहाँ आओ और थोड़ी घर पे मेहनत करो, ज़्यादा नहीं कहता मैं, यहाँ 1.5 घंटा यहाँ पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे डेढ़ ही घर पढ़ लियो, उसके बाद फिर बताना। आज मैं जो पढ़ाऊँगा उसे देख लो, जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वहीं से पता लग जाएगा, जो चीज़ मैंने अब तक बताई आपको, सेट बताया, सेट की परिभाषा क्या है, क्या समझ में नहीं आई? देखो जब स्टार्टिंग होती है गाड़ी को, जब धक्का देना हो ना थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है, और जब रन कर जाती है ना फिर तो उसे 50 भगा 80 भगा सो कितनी भी भगा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरी मैं बोलने में जो होता है आपका समझने में, मेरे बोलने में भी एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, जब हम कहीं नई क्लास में जाते हैं तो टीचर का पढ़ा समझ में नहीं आता, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, 1-2 लेक्चर में वो भी दूर हो जाएगा। तो 2-3 दिन देखो, अगर हाँ मेरे पढ़ाने में आपको लगता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्लो पढ़ाना, फास्ट पढ़ाना, या ऐसे नहीं ये पढ़ाना वो पढ़ाना, जैसे भी आपको जो लगे वो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो रिप्रेजेंट का मेथड मैंने बता दिया, एक तो है टेबुलेशन जिसको हम बोलते हैं रोस्टर, राइट, और दूसरा है सेट बिल्डर। क्या है सेट बिल्डर? अब ये रोस्टर शब्द लगा होगा आपका, आपके लिए नया शब्द है, नया है ना रोस्टर। देखो जब भी हम एक कोई काम करते हैं, कहीं स्कूल में कर रहे हैं, ये 4-5 बच्चे इकट्ठे हो कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, तो एक रोस्टर बना ला भाई, सोमवार को तुझे करना, मंगल को मुझे करना, बुध में आप करोगे, बृहस्पति में, घर में तो कर लें, अगर किसी घर में 2-4 बहू हैं तो दिन बांध लगी, 2 दिन रोटी तो बनाई है, 2 दिन में रोटी बनाई, क्या करा कि संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे या उनके नाम लिख दे, या ए या बी, संडे में या रोटी बनाओगी या नहीं बनाने की, मंडे में या नहीं बनाने की, ये बनाओगी, क्या बन गया, एक हमने
टेबल बना दी ना, ठीक, इसी को हम टेबुलर या रोस्टर, इसी को रोस्टर बोलते हैं, जो सीट के फॉर्म में होता है, टेबल बनी होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम होते हैं, इसी को रोस्टर भी बोलते हैं, यानी कि सबके हमने फिक्स निर्धारित कर दिया। तो इस तरह से जो सेट हो गया जिसके हमने टेबल बना दी उसको ही हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ध्यान रखने के लिए यही रोस्टर है, ये टेबुलर है। लेकिन सेट क्या है कि सेट हमारा ना हॉरिजॉन्टल चलता ना वर्टिकल, ये जनरल चीजें हैं जो मैंने बताई, रोस्टर बनाना या जो टेबल बनती है वो इस तरह बनती है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। लेकिन जब सेट का टेबुलेशन या रोस्टर है, ओनली क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो भी चीजें हैं वो कॉमा लगा के एग्जैक्टली क्यों मिलेंगी आपको, यहाँ इसके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि क्या चीज इसमें है, प्रत्यक्ष दर्शन है या जो मूर्त है, बिल्कुल यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी 1 2 3 XYZ जो भी लिखा हुआ वो दिखाई देगा, समझ रहे, यानी कि कोई अननोन पर्सन भी पढ़ लेगा। अगर आप 6th क्लास के बच्चे से कहोगे कि इसमें बताओ क्या क्या लिखा हुआ है, वो भले उसको ए बी सी डी समझे लेकिन वो उसको पढ़ देगा। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर या टेबुलेशन मेथड। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये सेट्स को लिखने का एक तरह का शॉर्टकट मेथड भी है, यानी कि एक बड़े सेट को छोटा रूप में लिखने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिख देंगे यहाँ 1 to infinite तक लिख पाएंगे, नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये चलता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, उस सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है या उस सेट का जो गुण है बस वो लिखे जाता है और कुछ नहीं लिखते, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में लिख के दिखा था आपको, जैसे कि एक सेट ले लें 1 2 3 4 5 6 ले लूंगा, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म, मैं कहूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, तो उसकी एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या, हमें तो कुछ नहीं पता भी सेट के रूप में कैसे, लेकिन इतना कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये तो समझ में आ रहा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब इसको वहाँ से जाके कैसे लिखते हैं, एक्स भी कैसे लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाता है, ऐसे लिखते हैं कि x such that x is a set of, इस तरह, ये क्या है, इसका क्या है, इसे समझो, देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है कॉमन प्रॉपर्टी, पहले तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे हम x, ठीक, फिर यहाँ आएगा वर्टिकल लाइन लगा दो या दो, ठीक, फिर हम x लिखेंगे और फिर जो यहाँ इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर या तो वर्टिकल लाइन लगा दो या ये चिन्ह लगा दो आप, और फिर उसकी कॉमन प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, पढ़ा क्या जाएगा, ये पढ़ जाएगा वे सभी एक्स, वो वे सभी एक्स ऐसे हैं जैसे कि प्रॉपर्टी है, वे सभी एक्स ऐसे हैं जैसे कि ये, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ऑल ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए, इसको क्या बोल पढ़ेंगे हम, सच दैट, ऐसा है, यानी कि वो सभी एक्स
कैसे ऐसे हैं कि x एक ये पाए ये रीडिंग समझ में आ गई। अब मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू x सच ऑल ऑफ x x सच दैट x इज a नेचुरल नंबर इज a नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ ओ रोस्टर मेथड में लिख के दिखाना। समझ में आ रहा सेट ये वेट कैसे करेंगे इसको वेट समझ लो जा ऑल ऑफ x such that x is a आ गया हो नेचुरल नंबर। किसी भी स्कूल में टीचर के ऊपर पंखे नहीं लगता जो पढ़ा है एक साइड लिखो 2, 4, 6 ब्रैकेट करके 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसको लिखो सेट फिल्टर फॉर्म में लिख कैसे लिख सकते हैं हम कहाँ क्या बोला था हमने भी हमने बोला है एक सेट टू
फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व तक मान लिया हमने बोला, ठीक है। तो एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू, तो लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ दिक्कत एक हो जाती है क्योंकि हमारे इवन नंबर नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको ये डाल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व। अगर ये हटाना तो यहाँ पे 14 भी लिख सकते हो, 13 लेंगे नहीं क्योंकि 13 इज नॉट ए इवन, वो सम संख्या नहीं, ठीक है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना। सेट में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं आती, सब सेट है, फिनल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो तो आसान है। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, मतलब पहले सेट्स को ही अच्छी तरह समझना सीख लो। रोस्टर फॉर्म में लिख सोल्यूशन लिखो, क्योंकि सोल्यूशन को जो सॉल्व तो करो, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो और एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो टेबल सोर्स पर फॉर्म करो, हो गया सोल्यूशन।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसके फैक्टर करना, फैक्टर आई वीडियो एक्स को सही करो भाई, एक्स बहुत गंदा लगे, पता लगता है एक्स या फोर ज़्यादा जल्दी रहते कहाँ पे हो? शेखपुरा में वीक है आपके बेसिक, कम से कम इंटर 11 12 की मैं करूँगा, 10 तक की अपने आप कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि अगर यहाँ कह दिया ना फैक्टर करो उसके, तो कराने का मेरा पर्पज यही था, तो फैक्टर आने चाहिए, नहीं आते तो घर जाओ बुक उठाओ सीखो, इतना बड़ा कुछ नहीं है इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है लीनियर, ये बिना क्वाड्रेटिक, जब इसके फैक्टर करने होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें ए सी की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि उसका सम बी आना चाहिए, दैट इज सम तो बी हो और मल्टीप्लिकेशन ये हो, सम बी एंड मल्टीप्लिकेशन ए इंटू सी, और अगर यहाँ माइनस है देन डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी, यहाँ क्या था माइनस था ना माइनस सिक्स, सिक्स और यहाँ वन था, तो मल्टीप्लीकेशन तो सिक्स होनी चाहिए और डिफरेंस आना चाहिए कितना वन, क्योंकि यहाँ पे वन था, तो क्या होंगे सिक्स कैसे क्या टुकड़े करोगे आप, थ्री और टू, प्रैक्टिस करो उसकी, मैंने पहले ही कह दिया हलवा नहीं खाना, बोस खाना, थोड़े दिन मेहनत कर लोगे, तीन चार साल मेहनत कर लो सारी ज़िंदगी ऐसा करोगे, और जो इन मैंने मेहनत करी फिर सारी ज़िंदगी अपना परेशान रहोगे। एक सेट ए है 1, 4, 9, 16, 25, मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कभी हमें पढ़ते हुए महसूस नहीं थी कि कोई हमें बताता है ये होता क्या चीज़ है कोई पढ़ाए, क्योंकि इन चीज़ों को कोई पढ़ाता नहीं है, अब सीख लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आने की, सेट बिल्ड उसमें लिखो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट इट वो क्या इलेवेंथ के सबके पास नहीं भी है बाजार से ले लियो, बाजार से नहीं ले जाए तो मोबाइल तो सब पे ही होंगे, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लियो एनसीईआरटी बुक उसमें से, लेकिन जो वक्त तुम उसको पढ़ के आना,
11th 12th के मैथ की फिगर ना करो, ये दो चार महीने में ही पूरा हो जाएगा सारा, ये ज़्यादा लंबा काम नहीं चलना। फिर कोई मालती ड्री केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ तो बहुत कभी याद में बोलूँगा। क्या यार बोलो, एक्स सच डेट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर से हमें क्या लग रहा है, ये है ना, इतना तो समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ रहा। वही समस्या है जैसे हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में रहते हैं, ये समझ तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आया लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऐसे है ना, हमेशा ऐसा ही होता है, हेजिटेशन है, सेंटेंस नहीं कभी टेंस नहीं सीखे, ये नहीं पता लगता कि प्रेजेंट यूज़ करना है या पास्ट करना, फिर कंटिन्यूस करना है या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना, वही स्थिति पता तो लग रहा है हमें। ये जी वो एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर है, लेकिन इसे लिखा क्या, कैसे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यानी कि उन सभी एक्स का, कैसे एक्स, इज ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, सुन भाई ये मुझे देख लो बाद में, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर जहाँ n किसको बिलोंग कर रहा, नेचुरल नंबर को, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, मेहनत तो करते हो भाई, एंथ्रम ऑफ ऑटोमेटिक मीन की बनाई होती है, अगर कोई ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है मान के चलो 1 3 5 9, उसकी एंथ्रम क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में डालो,
भी एग्जाम में मार्क्स लाना तो आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन चीज़ों को समझना मुश्किल लगता है। कुछ गए क्वेश्चन को रटते काम चल जा भाई करता, या कुछ चीज़ें हमने सेलेक्ट क्यों कर ली उसे भी लगता है, लेकिन चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हमें जनरल फॉर्म लिखनी होती है, एक जनरल टर्म लिखनी होती है, या कहूँ एक तरह से nth टर्म लिखनी पड़ती है। जैसे अगर आपने अर्थमेटिक में पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी में जो n वा पद निकालते थे, बनाते थे ना, तो इसमें देखो आप इसकी nth टर्म क्या बनेगी सारी। क्या हो जाएगी n प्लस वन हो जाएगी, नहीं रख के देखो, अगर हम वन रखें n की जगह तो वन बाई टू, टू रखें तो टू बाई थ्री, थ्री रखेंगे थ्री बाई फोर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑल ऑफ x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, वेयर n greater than equal to 1 or less than equal to 7, less than equal to 7 रख दूँ, 8 है उसमें कहीं निचली 8 नहीं आ जाएगी, क्या आएगा 6 आएगा ना, क्योंकि नीचे क्या है n plus 1। ये जो अप्रोच है ना बहुत काम आने वाले जेई में, बहुत से टर्म आपको सोचनी पड़ेंगे इस तरह की मिलेंगी जब इसकी nth टर्म क्या होगी। समझ में आइए सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो आपका होमवर्क नोट कर लो, डेली होमवर्क जो मिला करेगा उसमें से टेस्ट भी होगा, जो एक्सरसाइज 1.1 है 11th मैथ में, इसका जितना भी एग्जांपल पोर्शन है इसमें से तो क्वेश्चन बोल दूंगा, हो सका चैप्टर में से भी एक आधा में कोई कॉमन बोल दूंगा, ज़्यादा वही नहीं कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। 1.1 के से पहले जो एग्जांपल हैं वो हमें सारे करने, एग्जांपल नहीं छोड़ो, एग्जांपल हम सभी समझ चले, इसमें से एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद इतनी तो हमें शर्म आ जानी चाहिए कि हम कुछ खुद लिख सकें। ठीक है, और इसी के साथ हेडिंग नंबर डाल लो, मैं बोल दूँगा 1.3 उसके आगे मतलब वो कंटिन्यू रखना, फिर 1.4 1.5 एंड एग्जांपल 7 तक, यानी कि जहाँ से 1.2 एक्सरसाइज शुरू हो रही ना वहाँ तक आपको ये पढ़ के आना है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कल इतना पढ़ के आना है 1.2 एक्सरसाइज तक है, 1.4 मैंने हेडिंग दी होती है, देखो ये जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे द एम्प्टी सेट से पहले 1.3 रखा हुआ है, फिर 1.4 है, यानी कि जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 स्टार्ट होगी ना उससे पहले जितनी चीज़ें समझाई हुई हैं वो पढ़ के आनी है। ठीक है,
और ज़्यादा अच्छे बच्चे हो तो सेट से पूरा पढ़ डालो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि ये मान के चलिए उम्मीद ये कोशिश ये करूँगा कि कल नहीं तो परसों सेट खत्म हो जाए, 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा सेट खत्म। फिर आएगा रिलेशन और फिर फंक्शन, कोशिश करेंगे कि 2 दिन में रिलेशन है, 1 दिन में फंक्शन खत्म हो जाए और फिर बाकी फिर हम अपना जी कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखने में तभी फायदा है, पता लगा तुमसे तो कुछ आया समझी में, तुम छुट्टी मार गए तो फिर क्या होगा, ठीक। अगर ब्रेक आपने लिया तो यहाँ भी सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक मत लेना, तुम दोनों तो मत ले लेना, तुम दोनों को आई टी जे सला बता रहा मैं वैसे भी। अगर अपना 11th 12th अच्छा करना है तो बिल्कुल ब्रेक एक भी दिन कम ना, जिस दिन मैं पढ़ाऊँ उस दिन तो मत ले। अब देखता हूँ कल क्या करके आते हो आप, बुक्स लेके आना मार्केट से सेकंड हैंड, आप दोनों लोग बुक्स ले रहे हैं, ये दोनों चाहे ना ले एक बार को, लेकिन आपके हाथ में मुझे कल ये बुक्स होनी चाहिए, हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो, ये डिपेंड करेगा आप, क्लियर है। फिर मोबाइल नंबर कल लूँगा आपके, फिर मैं फ़ोन करके फिर आपके चाहे मुझे करंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बेटे आपने इरादा बहुत बड़ा किया है, लेकिन बेसिक वीक हैं, बेसिक क्या हैं, वीक हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके इलाज ना हो, मरम्मत हो जाएगी लेकिन उसमें समय लगेगा, इमारत खड़ी हो जाएगी लेकिन पहले नींव मजबूत करनी पड़ेगी। आपके लाइफ का कोई भी कंपटीशन बिना फाउंडेशन के आपका काम नहीं चलेगा, अपना मजबूत करो, मेहनत करो। 9th में 10th में कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही, कोई भी कंसेप्ट आपको पूछना है 10th में यहाँ से रिलेटेड, जैसे फैक्टर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो, आप दिक्कत है फ़ोन को पूछ लो, आपके तो गाँव के आसपास ही घूमता रहूँ मैं सीख लोगे, हमारे तो गांव के प्राइमरी स्कूल में जाऊँ वहाँ तो ढूंढा नहीं मिलता, पुल के नीचे बना हुआ मासी हो। तो मेहनत करके पढ़ोगे तो निश्चित ही आप लोगों को फल मिलेगा। बस ज़िंदगी में ये गांठ जरूर मान लो कि बिना हार्ड वर्क के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बस ये ध्यान रखना। इसे जितनी जल्दी इस काम को निपटा लोगे ना यहाँ पहुँच जाओगे, एक लिमिटेड है, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, मैंने निर्धारित कर दिया, मैंने आपको कहा कि 8 घंटे पर डे लमसम में इसको 350 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 0 0 8 40 4 8 24 4 8 मैंने कहा आपको इतने घंटे स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम, अब चाहे इसे 1 साल में कर लो और चाहे 5 से 10 साल में, वो डिपेंड आप पे, इससे पहले आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगे। ये जो टॉप के कंपटीशन है ना, जो अच्छी जॉब वाले हैं, इनमें आपको पढ़ाई का दायरा इतना बड़ा होता है कि वहाँ आपको समाज छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, परिवार रिश्तेदार वालों से कॉन्टेक्ट कम रखना पड़ेगा, जितना भी समय है अपना पढ़ाई में निकाल लो। स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में लग रहा है कि हमारे काम का है तो ठीक है, नहीं बंक कर जाओ अपना घर बैठो, समझ रहे हो आप, इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो कल जो मैंने चीज़ बताई है वो मैं आपको सुनूँगा, और अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ तो मोस्ट वेलकम है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं हमें ऐसे पढ़ाना, ठीक है। मुझे नहीं बताओगे तो आरिफ सर को बताना या जो हमारे डीसी सर हैं अजय जी उन्हें बताना। कुछ कौन से सर चली गई मुझे तो पता है।